22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। रामलला को निहारने उनके दर्शन करने की सदियों पुरानी इच्छा और प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। अगले 3 दिनों के भीतर अनुष्ठान के सभी कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को स्वयं रामलला दर्शन देने पधार रहे हैं। कैसे दिखते हैं राम, कैसा है उनका आभा मंडल, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जीवंत मूर्ति को शिल्पकार ने इतना दिव्य भव्य बनाया है कि संसार में इससे अद्भुत शायद ही कोई दूसरी मूर्ति हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम लला की इस मूर्ति का आभा मंडल कैसा दिखता है। तो बता दें कि भगवान राम बाल रूप में यहाँ साक्षात दिखते हैं। राम लला का आभा मंडल बेहद दिव्य है। मस्तक के पीछे सूर्य का तेज साफ दिखता है, जबकि दाहिने हाथ में राम लला भक्तों को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में राम लला के हाथ में धनुष बाण होगा। आपको बता दें कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी राम लला के श्री चरणों के पास बाई और विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ राम लला की मूर्ति की दाई और विराजमान है। आपको बता दें कि इस मूर्ति की दिव्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राम मंदिर में अनुष्ठान का 4th दिन है। भगवान रामलला का अधिवास शुरू हो चुका है। आज जलाधिवास के तहत उनका सफेद वस्त्र भी हटाया गया। भगवान राम की मूर्ति का आसन मकराना संगमरमर से बना है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्त अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला की इस अद्वितीय मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 56 घंटों का वक्त बाकी है। करीब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में दोबारा रामलला स्थापित हो जाएंगे। 23 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के लिए जब राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो उन्हें गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति और रामलला विराजमान दोनों दिखाई देंगे और एक साथ रामलला को देखकर राम भक्तों की वर्षों पुरानी पीड़ा खत्म हो जाएगी। 22 जनवरी को पिछले करीब 74 सालों से रामलला विराजमान की इसी मूर्ति की पूजा अर्चना होती रही है। पहले विवादित ढांचा, फिर टेंट और अब अस्थाई मंदिर के बाद रामलला को उनका उचित स्थान मिलने वाला है। आज शाम 7 बजे के बाद अस्थाई मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद 20 जनवरी और 21 जनवरी को राम मंदिर बंद रहेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 23 जनवरी से आम भक्त नए राम मंदिर में रामलला के दोनों स्वरूपों के दर्शन कर पाएंगे। रामलला की नई और रामलला विराजमान यानी पुरानी मूर्ति दोनों गर्भगृह में स्थापित रहेंगी। श्याम पत्थर की बनी नई मूर्ति को 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। खास बात यह भी होगी कि रामनवमी के दिन रामलला की नई मूर्ति के ललाट पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान होंगी। पहली बार 2025 की रामनवमी पर रामलला का सूर्याभिषेक होगा। आज राम मंदिर में एक साथ 2 तैयारियां चलती रही। एक तरफ गर्भगृह में रामलला स्थापित हो चुके हैं और दूसरी तरफ अस्थाई मंदिर में पूजा अनुष्ठान लगातार चलते रहे। राम भक्तों के लिए करीब 500 वर्षों के बाद ये दिन आया है जब रामलला दोबारा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुए हैं। पिछले 74 वर्षों में रामलला विवादित ढांचे से टेंट होते हुए मंदिर तक पहुंच गए हैं। वर्ष 1949 में 22-23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई।
1949 से 1992 तक रामलला इसी विवादित ढांचे में मौजूद रहे। 1992 से अगले 28 वर्षों तक टेंट में ही रामलला की पूजा अर्चना हुई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रामलला को अस्थायी मंदिर में रखा गया और अब 2024 में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे।